जय जिनेन्द्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। शिव शक्ति कांवड़ सेवा समिति की ओर से 25वीं वार्षिक कांवड़ यात्रा के उपलक्ष्य एक भव्य समागम का आयोजन करते हुए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। 25वीं वार्षिक कांवड़ यात्रा के सिल्वर जुबली मनाते हुए केक भी काटा गया। बीते 25 सालों से लुधियाना की शिव शक्ति कांवड़ सेवा समिति की ओर से हर साल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार 25वीं कांवड़ यात्रा के उपलक्ष्य में सिल्वर जुबली मनाते हुए हरिद्वार से गंगा जल लाकर लुधियाना के संगला शिवालय मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया गया। इस अवसर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें शिव भक्त नाचते झूमते नजर आ रहे थे। इस समारोह में सैकड़ों नगरवासियों ने भाग ले भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सन 1992 तो पहली कावड़ शुरू हुई सी। 25 साल हो गए लगातार लैके आते ना, तो लिया के उतों हरिद्वार तो लुधियाने लुधियाने फिर शोभा यात्रा के रूप से आ के संगला शिवाले सानू जल अभिषेक करना पैंदा, भगवान शंकर नूं चढ़ाने जल, तो बड़ी धूम धूम अपना शोभा यात्रा कढ़दे आ। बड़ा सोहना इकट्ठ हुंदा वा और 25वें साल हो गए। 25वीं कांवड़ यात्रा की सिल्वर जुबली मनाते हुए केक भी काटा गया
और आए हुए गणमान्य शख्सियतों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छबील सहित लंगर भी लगाया गया था। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। एसएस जैन सभा नाभा में चातुर्मास 2017 हेतु विराजमान उपपरिवर्तनी कोकिला गंठी जैन भारती महासाध्वी श्री मीना जी महाराज की सुशिष्या रत्ना प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री महक जी महाराज आदि ठाणा 3 विराजमान हैं। आने वाली 23 जुलाई दिन रविवार को द्वितीय पट्टधर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की 117वीं जन्म जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास से प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक जैन स्थानक नाभा में मनाई जा रही है। ध्वजारोहण करने का सौभाग्य श्री ईश कुमार जैन जी बाघा पुराना वालों को प्राप्त हुआ है। इस उपलक्ष्य में सामायिक एवं एकाशना दिवस भी मनाया जाएगा। लक्की कूपन 8 से 8:30 बजे तक मिलेंगे और सामायिक करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी लोग इस शुभ अवसर पर पधारकर समारोह की शोभा बढ़ाएं। साध्वी श्री जगत प्रभाजी का स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के चलते साध्वी श्री प्रमोद श्री जी महाराज गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के आदेश अनुसार उनकी सेवा के लिए बीती 7 जुलाई को सुबह संगरूर से विहार करके लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित अगर नगर बी ब्लॉक जैन स्थानक में विराजमान हैं। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी की विदुषी शिष्या साध्वी श्री प्रमोद श्री जी महाराज का संगरूर चातुर्मास के लिए 3 जुलाई को मंगल प्रवेश हो चुका था, परंतु 6 जुलाई को अचानक गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के समाचार प्राप्त हुए कि साध्वी श्री जगत प्रभा जी की सेवा के लिए तुम्हें लुधियाना पहुंचना है। गुरुदेव का आदेश प्राप्त होते ही साध्वी श्री प्रमोद श्री जी महाराज ने तत्काल निर्णय लिया कि कल सुबह विहार करना है और 7 जुलाई को साध्वी प्रमोद श्री जी ने अपनी सहयोगिनी साध्वी धन कुमारी जी विजय प्रभा जी और आदर्श प्रभा जी के साथ विहार कर दिया और अब लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित अगर नगर बी ब्लॉक जैन स्थानक में विराजमान है। साध्वी श्री ने बताया कि साध्वी श्री जगत प्रभा जी का स्वास्थ्य अब ठीक है और वह जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। मैं साध्वी प्रमोद श्री अगर नगर तेरावत भवन से बोल रही हूँ। साध्वी श्री जगत प्रभा जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, उन्हें DMC हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 4 दिन वहाँ रुके, अब विश्वास है गुरुदेव की कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। हम यहाँ तिरावन भवन में रुक रहे हैं, आशा है जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। इस अवसर पर उन्होंने मंगल पाठ से सबको आनंदित किया। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनात धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तमा, अरियंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केली पनात धम्मो लोगोत्तमो, चतारी शरण पवत जामी, अरहंते शरण पवत जामी, सिद्धे शरण पवत जामी, साहु शरण पवत जामी, केवली पन्नतंग दम्भंग शरण पवत जामी, चारु शरणा सगावरण सगो कोय, जो भव प्राणी आदर अक्षय अमर पद हो। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नताशा की रिपोर्ट। SS जैन सभा बनूट के तत्वाधान में चातुर्मास हेतु विराजमान तप गगन चंद्रिका महासाध्वी श्री विजय श्री जी महाराज आदि ठाणा 3 के पावन सानिध्य में दिनांक 23 जुलाई रविवार को हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक जैन स्थानक बनूड में किया जा रहा है। रोटरी क्लब लुधियाना मिड टाउन द्वारा बीती शाम साल 2017-2018 की नई टीम की घोषणा की गई। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पुरानी टीम को विदाईगी देते हुए नई टीम का स्वागत किया गया। रोटरी क्लब लुधियाना मिड टाउन द्वारा बीती शाम एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पुरानी टीम को विदाईगी देते हुए साल 2017-18 की नई टीम की घोषणा कर स्वागत किया गया। रोटेरियन जसमिंदर सिंह को साल 2017-18 की नई टीम का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सैकड़ों मेंबरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। क्लब मेंबर्स के लिए लक्की ड्रॉ भी निकाला गया और इनाम दिए गए। इस अवसर पर प्रेसिडेंट जसविंदर सिंह ने क्लब की उपलब्धियों के बारे बताते हुए आगामी कार्यक्रम के बारे जानकारी भी दी। रोटरी क्लब ऑफ लुधियाना मिड टाउन की आज इंस्टॉलेशन सी, साडे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अनिल अग्रवाल जी, मैं सैकटरी अपना पिछे जॉइंट सैकटरी सी, हूँ प्रेसिडेंट
नियुक्त हो रोटेरियन सी ए जसमिंदर सिंह 3070 डिस्ट्रिक्ट दे विच साडा लार्जेस्ट क्लब है विद 122 मैंबर्स दिस ईयर वी आर टारगेटिंग 150 मैंबर्स एंड असी कम्यूनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स फैलोशिप ते ट्रेनिंग दे इंडिविजुअल डिवेलपमेंट दे एहो जे काफ़ी प्रोग्राम असी करते रहीद जिमें वी हैव ए प्लैनिंग के स्कूलों के असी पानी पीण वाले जेडे कूलर ने ते स्वच्छ पानी वाले जेडे आरओ ने फिल्टर्स वो असी लावांगे ते इस तरह के होर कई प्रोजेक्ट जिमें ओल्ड एज होम बाल भवन उत्थे असी जाके सेवावां जिहड़ियां मैंबर्स कोलों डोनेशनस इकट्ठियां करके असी करते रहने हैं ते ये साडा सानू ऐतकी भी प्राइज मिले आउटस्टैंडिंग सर्विसिज लई क्लब सर्विसिज दे विच ते असी आने वाले टाइम दे विच अपने क्लब नू जिहड़ियां होर उच्चियां शिखर ते लैके जाना चाहते हैं जिदे नाल असी सुसाइटी का ते अपना सारिया का रल मिल के संभाल कर चकीए ते सुसाइटी नू उच्चा चुक सकीए। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भुपेंद्र शान की रिपोर्ट। लोह पुरुष गुरुदेव श्री ओम मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री सौरभ मुनि जी महाराज आदि ठाणे चार मंगल चातुर्मास 2017 हेतु जैन स्थानक सेक्टर 18D चंडीगढ़ में विराजमान है। प्रवचन का समय प्रातः 8:30 का है। लुधियाना में बाबा अमरनाथ लंगर कमेटी लुधियाना की ओर से देश भर से श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों की सेवा हेतु ताजपुर चौक GT रोड पर 9वें विशाल भंडारे का आयोजन 29 जून से 23 जुलाई 2017 तक किया जा रहा है। 9वें विशाल भंडारे का आयोजन 29 जून से 23 जुलाई 2017 तक दिन रात लुधियाना के ताजपुर चौक GT रोड पर किया जा रहा है। यह भंडारा श्री सुरेंद्र डाबर MLA एवं श्री मानी डाबर की देखरेख में बाबा अमरनाथ लंगर कमेटी लुधियाना की ओर से देश भर से श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों हेतु लगाया गया है। 24 घंटे चलने वाले इस भंडारे में यात्री दिन रात रुककर लंगर, विश्राम घर और फ्री मेडिकल की सुविधा ले रहे हैं। प्रतिदिन महासंकीर्तन सहित भजन गायन का आयोजन भी किया जा रहा है। Oh,
लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नताशा की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। शिव ब्रिक्स, बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें VPO चौकी मान तहसील जगराऊं, नंबर 9872503117, 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट, किटी हॉल बैंक्वेट हॉल फुली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स विद 24-hour रूम सर्विस, 100% pure vegetarian food, special thali, packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 9780463030. ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। हमारी नौजवान पीढ़ी को पंजाब की पुरानी सभ्यता, रीति रिवाजों और त्योहारों के साथ जोड़ने के लिए गुरदासपुर के शहर बटाला में सहायता क्लब की औरतों की तरफ से लड़कियों के साथ मिलकर बटाला क्लब में सावन महीने के तीज के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया और इस तीज के त्यौहार की शुरुआत बटाला नगर कौंसिल के अध्यक्ष नरेश महाजन ने ज्योति जलाकर की। पंजाब की हमारी नौजवान पीढ़ी कंप्यूटर युग के चलते अपनी पुरानी सभ्यता को भूलती जा रही है। नौजवान पीढ़ी अपने त्यौहार रीति रिवाजों को भूल पश्चिम फैशन की चकाचौंध में डूबती जा रही है। हमारी नौजवान पीढ़ी को पंजाब की पुरानी सभ्यता, रीति रिवाजों और त्यौहारों के साथ जोड़ने के लिए गुरदासपुर के शहर बटाला में सहायता क्लब की औरतों की तरफ से लड़कियों के साथ मिलकर बटाला क्लब में सावन महीने के तीज के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बटाला की औरतों और लड़कियों में तीज के त्यौहार को मनाने के लिए काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। सभी औरतें और लड़कियां पूरी तरह से पंजाबी पहरावे में सच धज कर इस तीज के त्यौहार में पहुंची। तीज के त्यौहार की शुरुआत पंजाबी रीति रिवाजों से की गई और गानों पर लड़कियों की तरफ से गिद्दा और किकली भी डाली गई और साथ ही झूले भी झूले गए। इस तीज मेले में खूब सज धज कर पहुंची औरतों के साथ इस तीज मेले के बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि यह तीज मेले में सभी लड़कियों को हिस्सा लेना चाहिए। इस त्यौहार में हमें पंजाब की पुरानी सभी वस्तुओं और पुराने पंजाबी गहने और पुराने पंजाबी कल्चर से जुड़े सवाल भी पूछे गए। ऐसे आयोजनों में हिस्सा ले सभी को बहुत मजा आया। सहायता क्लब को जो है ये आज फर्स्ट टाइम तीज का त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ बटाले की सब लेडीज इकट्ठी होके आ रही हैं। ये त्यौहार जो है बेटियों का और बहुओं का है। आज सारे बटाले की बेटियां और बहुएं इकट्ठी होके यहाँ पे गिद्दा बंगड़ा ये झूले वगैरह सब लेंगी और खुशी मनाएंगी। तीज का त्यौहार पंजाबियों का, खास करके हम लोग इसको अच्छी तरह मनाते हैं। आज हम तीज के अवसर पे, तीज के मौके पे आज एक लेडीज़ का प्रोग्राम रखा हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं कि तीज का प्रोग्राम होता भी लेडीज़ का ही प्रोग्राम है और हमारी सहायता क्लब उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसमें हमने कल्चरल प्रोग्राम और हमारा मेन मोटिव ये है, जो हमारे ग्रुप में हमारे क्लब में बहुएं बेटियां आ रही हैं उनको ये बताना है कि हमारा पुराना ट्रेडिशन क्या है जो आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं। उनको हम बताएंगे, जैसे इसमें गिद्दा बंगड़ा पंजाबी कल्चर आप देखोगे हमारी स्टेज के ऊपर, वो विलेज सिस्टम पूरा है जिसमें वो मेहंदी वाला चरखे वाला, आजकल लड़कियों को यही नहीं पता कि ये मदानी ये वो सब कुछ हमने ऑर्गेनाइज करा हुआ है। वो सब हम दिखा रहे हैं, बच्चों को बताएंगे भी, अपने बहू बेटियों को भी बताएंगे अपने। आज सावन महीने के अंदर सहायता क्लब वालों बटाला क्लब के अंदर तीजा के त्यौहार न मनाया जा रहा और एक सहायता क्लब का सारा उपराला। इन्हां दे ऑफिस बेयरर जड़े ने उन्होंने मेहनत करके अज अपनी संस्कृति और सभ्यता का जड़ा पुराना कल्चर है
जिस तरह सावन के महीने च हमेशा अक्सर सुनिया करते ही देखिया कर देखते भी ही पींगा के झूठे पिंड अंदर शहर के अंदर आम तौर पर पहला चलते मगर हौली हौली जरा समय के नाल थोड़ा घटता गया। इस प्रोग्राम जरा तीजा का त्यौहार बहु बेटिया का त्यौहार है उन्होंने अज मनाने वास्ते सहायता क्लब के ऑफिस बेरर ने जी मेहनत की है मैं उन्होंने बधाई दिना और ये त्यौहार मना दे नाल एक जड़ा खुशी का वातावरण है जो सावन के महीने के बारे कहा जाता है वो अपने आप च पूर्ण रूप च अज इत्थे देखण नूं झलक मिली है। गुरदासपुर बटाला से कैमरामैन परमिंदर सिंह के साथ मोनीश शिंगारी की रिपोर्ट। श्रवण संगी सलाहकार नवकार साधक उप प्रवर्तक गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज ज्योतिषाचार्य गुरुदेव श्री सुयोग्य ऋषि जी महाराज आदि ठाणा मंगल चातुर्मास 2017 हेतु जलंधर के गुड़ मंडी जैन स्थानक में विराजमान है। सभी भक्तजन प्रातः 8:30 बजे गुरुदेव जी के प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज के आशीर्वाद और कृपा से उनकी हीरक जयंती के उपलक्ष्य में पंजाब में आत्म ध्यान साधना शिविरों की लड़ी के अंतर्गत 1 दिवसीय और 2 दिवसीय आत्म ध्यान साधना शिविर कूप कला और जिला संगरूर में आयोजित होने जा रहे हैं। वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के आशीर्वाद एवं श्रवण संगी चतुर्थ पट्टधर आत्मध्यान योगी आत्म अनुशास्ता आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज के आशीर्वाद और कृपा से उनकी हीरक जयंती के उपलक्ष्य में पंजाब में आत्म ध्यान साधना शिविरों की लड़ी के अंतर्गत 1 दिवसीय आत्म ध्यान साधना शिविर 24 जुलाई प्रातः 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक आदिश्वर धाम जिला संगरूर में होगा। 2 दिवसीय गंभीर शिविर 25 जुलाई प्रातः 10 बजे शुरू होकर 26 जुलाई प्रातः 10 बजे समाप्त होगा। यह शिविर आदि शिविर धाम कूप कला में लगाया जाएगा। आत्म ध्यान साधना शिविर ध्यान साधिका श्रीमती रेणु जैन जी के द्वारा करवाया जाएगा। शिविर में भाग लेने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। भाग लेने के इच्छुक भावी आत्माएं श्रीमती ऋचा जैन से 9417875056 और श्रीमती रेणु जैन से 9316858566 पर संपर्क करें। मैं ध्यान साधिका रेणु लुधियाना से अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की असीम कृपा आशीर्वाद से आत्म ध्यान योगी आत्म अनुशास्त्रा शमन संघ के चतुर्भटधर आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी के आशीर्वाद से उनकी हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जो एक संकल्प ऋचा जी ने जो संकल्प किया है उसी लड़ी के अंतर्गत 1 दिवसीय ध्यान साधना शिविर 24 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे होगा। शिविर का साधना स्थल है आदिश्वर धाम जिला संगरूर में लगाया जाएगा और 2 दिवसीय ध्यान साधना शिविर गंभीर शिविर 25 जुलाई प्रातः 10 बजे से शुरू होकर 26 जुलाई प्रातः 10 बजे समाप्त होगा। लक्ष्मी जी महाराज जी की शुभ निश्राय में जिनका चतुर्मास कुप कला में होने जा रहा है उनकी निश्राय में ये शिविर लगेगा। आप सभी लुधियाना वासियों से हार्दिक अनुरोध है कि इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। इन शिविरों में आपको कैसे जिया जाता है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है और किस तरह आप सुख शांति समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने जीवन में जो तनाव है, डिप्रेशन है, चिंता है, जो दुख है, उनको हम किस तरह ध्यान साधना में प्रवेश करके उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये साधना 24 तीर्थंकर भगवान की साधना है, भगवान महावीर की साधना है और इस साधना को जन जन तक पहुँचाने का जो संकल्प आचार्य भगवान ने किया है उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये साधना आदिश्वर धाम कुप कला में 2 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिविर में भाग लें। बसों की उचित व्यवस्था की गई है और अगर किसी ने भी जाना है नाम लिखवाने के लिए संपर्क करें। मैं रेणु जैन 9316858566 ऋचा जैन 9417875056 धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमनदीप कौर की रिपोर्ट। सोमवार 24 जुलाई 2017 स्थान चंदन बाला भवन सवाई माधोपुर मंगल करनी
जय यश गुरुनि शिरोमणि सदगुरु वर्या 1007 श्री यश कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या श्रवण संघ उप प्रवर्तनी महासती श्री मैना कंवर जी महाराज साहेब के सानिध्य में श्रवण संघ के द्वितीय पट्टदर जैन धर्म दिवाकर राष्ट्र संत आचार्य सम्राट 1008 श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का 117वां जन्म जयंती समारोह यश दरबार चंदन बाला भवन प्रांगण में दया दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी धर्मानुरागी बंधुओं से विनम्र आग्रह है कि इस आयोजन में आपके सकल संघ की भागीदारी ऐतिहासिकता प्रदान करेगी। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नए धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र। ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें वीपीओ चौकी मान तहसील जगराओं नंबर 9872503117 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट किटी हॉल बैंक्वेट हॉल फुली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स विद 24 आवर रूम सर्विस 100% pure vegetarian food, special thali, packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Singla Wala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 9780463030.